हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है और ब्लू कलर में है और काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो आप इसको ऑर्गेनाइज़र का नाम भी दे सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर जिप दी है और यहाँ से आप अपना सारा सामान आसानी से रख सकते हैं और आपको दिखाई भी देगा आगे से भी पीछे से भी कि कौन सा सामान इसमें रखा है, कौन सा छूट रहा है। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में है। इस बैग को आज मैंने यूटिलिटी टाइटल दिया है, यूटिलिटी बैग। तो अब इसकी खासियत यह है कि इसमें बच्चे के गीले डायपर से लेकर के आप अपना कॉस्मेटिक है, नहाने धोने का सामान है, या अपना मेकअप किट है, या ज्वेलरी है, या कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, जो भी इसमें रखेंगे आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या चीज़ रखा गया है। और बॉटम इसका मैंने यहाँ पर क्विल्टेड दिया है, जिससे कि अगर आप कोई गीला सामान रखते हैं तो वो इसमें सूख जाएगा और आपको सफ़र में आगे जा कर के दिक्कत नहीं होगी, उसमें फंगस वगैरह भी नहीं आएगी और सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या है और इसको कैसे बनाना है। आज का यूटिलिटी बैग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 10x10 का एक कॉटन पीस लिया है और 5x10 का एक फोम लिया है और इसको हम इस तरह से कवर करते हुए इसको क्विल्ट कर देंगे। इसको क्विल्ट करने के बाद अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। इसको हम 4x9 का पीस बनाएंगे। क्विल्ट करने के लिए हमेशा ज़्यादा कपड़ा लेना चाहिए, जिससे कि अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वो सीधी कटिंग में हमको मिल सके। ये 9 आ गया और ये 9 आ गया। अब इसको हम फाइनल कटिंग कर देंगे। ये हमको 9x4 का पीस तैयार मिल गया। अब इसके बाद मेरे पास ये पीस है, ये टोटल 11x26 इंच का पूरा ट्रांसपेरेंट शीट है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये 11 है और ये पूरा 26 है और यहाँ पर मैंने 11 इंच की एक जिप ली है। और इसमें अब हम एक पाइपिंग रखेंगे और ये 11x26 इंच के पीस पर हम ये 3x, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है अभी, उसको बाद में कट करेंगे। ये 3 इंच इसकी विथ है, इसको लेंगे, जिप को यहाँ पर सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस कपड़े को रखते हुए तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। जिप हमारी सीधी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको सिलने के बाद कपड़े को बाहर निकालेंगे और इस पर एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे और इसको यहाँ पर चौड़ाई देते हुए इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से अटैच कर दिया, यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसीजर में इसको भी जोड़ेंगे, सीधी जिप रखते हुए इस तरह से और 3 इंच की पट्टी इस पर सिल देंगे। जिप को खोल देंगे और फिनिशिंग देते हुए इसको भी पट्टी को भी सिल देंगे।
अब इसमें हम रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद एक बार इसको पूरा इस तरह से पैक कर लेंगे, फिर दोबारा रनर पीछे से डाल के बीच में रोक देंगे इस तरह से। इसको तैयार करने के बाद जिप से पकड़ते हुए नीचे की तरफ हम सेंटर निकालेंगे, कट मार्क कर लेंगे, ऊपर साइड में भी कट मार्क लगाएंगे। इसको इस तरह से खोलते हुए अब यहाँ पर हमने थोड़ी पाइपिंग ली है और इस पाइपिंग से हम इसका एक लूप तैयार करें। लूप तैयार करने के बाद इस लूप को हम इस तरह से रखते हुए बराबर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर से रखते हुए इस जिप पर लगा देंगे। नीचे का पीस अभी हटा देंगे, इसको केवल जिप पर अटैच करेंगे। जिप पर अटैच करने के बाद ये हमने यहाँ सेंटर निकाला था, जिप को सेंटर पर रखेंगे और इसको पूरा पाइपिंग से पैक कर देंगे ऊपर के साइड में। लॉक सिस्टम देते हुए पाइपिंग को लगाना है। इसको तैयार करने के बाद अब जो हमने पहले क्विल्ट पीस किया था उसको लेंगे और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे बराबर से रखते हुए 9 इंच के एरिया पर। ये हमने सेंटर निकाल लिया और इधर से भी निकाल लेंगे 4 इंच के एरिया पर। और अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो आज जो इसका बॉटम हमारे हम लगाएंगे इसको हम पहले उल्टा करेंगे, इससे उल्टा करने के बाद जो जिप का एरिया है उस सेंटर पर ये 9 इंच वाला मार्क रखेंगे और पहले आज हम 9 इंच को जोड़ेंगे इधर भी और जो बैक साइड में हमने सेंटर निकाला था यहाँ भी, इसके बाद 4 इंच को अटैच करेंगे। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। अब जिप खोलेंगे और सीधा करेंगे। कंप्लीट हो गया, जिप ऊपर की तरफ जाएगी और बॉटम हमारा ये आ गया और ये पूरा ट्रांसपेरेंट बैग इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसमें ट्रांसपेरेंट बॉटम मैंने इसलिए नहीं लगाया है, मान लीजिए कि इसमें शेविंग किट रखा है, ब्रश वगैरह रखा है या टूथब्रश रखा है या सोप रखा है, तो जो भी पानी होगा जो इससे जल्दी में हम कहीं जाते हैं तो कोई भीगी हुई चीज़ रख देते हैं, गीली चीज़ रख देते हैं, तो अगर हम नीचे बॉटम में भी ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे तो वो स्मेल करेगा। इससे अच्छा है कि वो पानी इसको सोख लेगा और फिर ये सूख भी जाएगा और आपकी चीज़ भी सुरक्षित रहेगी, तो कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं हो सकता। इस तरह से इस बैग की डिज़ाइन की गई है और इसको तैयार किया है और ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में ला सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।